हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो है नेशनल गीत, भारत का नेशनल सॉन्ग भी बोल देते हैं इंग्लिश में, या फिर राष्ट्रीय गीत। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था नेशनल एंथम, यानी कि राष्ट्र गान कौन सा है हमारा, कितना टाइम पीरियड है गाने का, किसने लिखा, कब लिखा, संविधान सभा ने कब इसको अपनाया, सारे जो क्वेश्चन है उस वीडियो में आप जाके जरूर देखिए। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये, जल्दी कवर करेंगे इसको। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है भाई, वो है वंदे मातरम। सभी को पता है, सही है। वंदे मातरम लिखा किसने, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि लिखा किसने है। तो उनका नाम था दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। पूरा नाम की बात करूं तो बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। ठीक है, इनके द्वारा क्या था, वंदे मातरम लिखा गया था। दोस्तों, संविधान सभा के अकॉर्डिंग जो वंदे मातरम है, जो गीत है हमारा, ये कब अपनाया गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। वैसे ही हम बात करें जो हमारा नेशनल एंथम था, राष्ट्रगान था, वो कब अपनाया गया था, बस इसकी जगह 24 है, ये 26 है, वो 24 है, सेम डेट वैसे ही रहेगी। तो राष्ट्रगान भी आपने याद रखना, उसकी टाइम याद रखना आपने। और जो राष्ट्रगीत की बात आए तो ये है 26 जनवरी 1950, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। ठीक है, सेम रहेगा, दो दिन का, एक दिन का फर्क है। उसके बाद समय अवधि आती है, वंदे मातरम की जो समय अवधि है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बहुतों का क्वेश्चन गलत होता है यहीं से कि इसका जो टाइम है वंदे मातरम का कितना टाइम होता है इसको गाने का, वो होता है 1 मिनट 5 सेकंड या फिर 65 सेकंड, एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, कभी पजल हो जाओ वहां पे जाके, तो 65 सेकंड भी दे सकते हैं, 1 मिनट 5 सेकंड भी दे सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह एक राष्ट्रगान का कितना समय है दोस्तों, 52 सेकंड, ये भी आप याद रख लीजिए भाई। ठीक है, तो बंकिम चंद्र की बात करें, इनका एक उपन्यास था, इससे पहले देख लेते हैं ये क्या थे, प्रोफेशन से या पेशे से क्या काम करते थे। उपन्यासकार, उपन्यासकार थे, या फिर कह सकते हैं कवि, या फिर पत्रकार, ये सभी थे। ठीक है, सभी तरह के काम करते थे। ठीक है, इनका एक उपन्यासकार बहुत ही फेमस था जिसका नाम है आनंद मठ, वेरी इंपॉर्टेंट आनंद मठ, जहां से वंदे मातरम लिया गया। तो वंदे मातरम कहां से लिया गया है दोस्तों, ये भी पूछ लेते हैं। वंदे मातरम हमारा है वो आनंद मठ से लिया गया है। उपन्यासकार किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ये जो मठ है, सॉरी जो आनंद मठ उपन्यास है हमारा दोस्तों, एक राजनीतिक उपन्यास है, यानी कि पॉलिटिशियन के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, और आगे थोड़ा इसके बारे में बात करें, आनंद मठ दोस्तों एक विद्रोह के ऊपर बनाया गया है, एक 1773 में विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, याद रख लिए, पेपर में पूछ लेते हैं कई बार, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, सन्यासी विद्रोह के ऊपर कौन सी बुक लिखी गई है, आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है, वंदे मातरम कहां से, किसी तरह का भी प्रश्न यहां से बन सकता है भाई, याद रखियो। ठीक है, इसका टाइम हो गया, कितने टाइम में गाया जाता है, और डेट हो गई, संविधान ने कब अपनाया इसको, 26 जनवरी 1950 को, लिखा किसने, बंकिम ने। और एक क्वेश्चन बनता है कि पहली बार कब गाया गया था भाई, तो पहली बार ये इसका जो डेट आपने याद रखना है 1896 में, सही है, कब गाया गया 1896 में, कहां पे गाया गया, भारतीय, ये आता है दोस्तों क्वेश्चन, भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, 1896 में पहली बार गाया गया। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है वंदे मातरम को लेके। ठीक है, आपने याद रखना है, और इससे पिछली वीडियो भी जरूर देखिए आप, बहुत सारी वीडियो है मैथ की है, और जीके की है, हरियाणा जीके की है, ट्रिक्स की है, इंग्लिश की है, सभी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाइए प्ले लिस्ट में देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक यहीं पे करते हैं दोस्तों खत्म। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो एक लाइक दीजिए यार फटाफट, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।